I am going to discuss about hydrocarbon, some important objective question. Soda lime is a mixture of, soda lime किसका mixture है? तो soda lime is mixture of क्या हो जाता है? Hydroxide and calcium का. तो soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. Calcium oxide. ठीक. तो सोडा लाइम किसका किसका मिक्सचर हुआ? सोडा लाइम बराबर, अब क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं? NaOH. कैल्शियम ऑक्साइड CaO. तो इसी का मिक्सचर है. अब अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट को. ठीक, एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन 2-methyl butane, एन पेंटेन है 2-2-dimethyl propane है. तो इसको कैसे अरेंज करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं एल्केन में कि कार्बन एटम इंक्रीज रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज, कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? पॉइंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा. अब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कब करेगा? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज कब होगा? विथ, यहां ब्रांचिंग होगा, विथ ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के साथ. अब देखिए यहां पे, यहां पे, यहां तो हम लोग को लगाना है ऑर्डर आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है तो ब्रांचिंग जिसका है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो ये देखिए ब्रांचिंग में हम पहले कर लेते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ठीक, बॉइलिंग पॉइंट किस कितना होगा? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ इसका है 282.5 केल्विन. ये सबसे यहाँ पे इसका सबसे डिक्रीज होगा. फिर CH3, CH2, 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 CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट पॉइंट बराबर 309.1 केल्विन. फिर इसके बाद आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2-1-1-2-3, तो 2-methyl butane है इसका नाम, नहीं 2-2-dimethyl, 2-2-dimethyl, 2 है ना, 2-2-dimethyl propane. ठीक है, ये नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन. और उसके बाद आ जाएगा ये CH3, CH2, CH, CH3, CH3. तो इसका नाम हो जाएगा 1-2, तो 2 में मिथाइल, तो 2-methyl ब्यूटेन. अब इसके बाद आ जाएगा नंबर नॉर्मल ब्यूटेन का. तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन देखो, यहाँ सबसे लास्ट में, तो यहाँ CH3, CH2, CH2, CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 301 बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 273. तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है. तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो रहा है. जैसे ही ब्रांचिंग आएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा. ठीक, और नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा. तो यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग में सबसे काम, तो हम लोग को किस में लगाना था? वो ऑरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसको कह किए. फिर ये है 2-2-dimethyl butane,
फिर नॉर्मल पेंटेन, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर नॉर्मल ब्यूटेन। थैंक यू।